नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा पहुंचते ही कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि संसद हमले के आतंकी अफजल गुरु को शहीद बताने वाले लोग देश से माफी मांगे। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को 12 साल तक मुकदमा चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपीए सरकार के दौरान ही फरवरी 2013 में फांसी दी गई थी, मगर वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग आतंकी का धर्म देखकर उसे शहीद बताने लगे थे। हाल ही में राज्यसभा सदस्य बनाए गए सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए आगे कहा है कि राहुल गांधी बताएं कि अफजल गुरु के पक्ष में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों के समर्थन में जेएनयू क्यों गए थे। कांग्रेस, वामदल और राजद ने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का बचाव क्यों किया। आपको बता दें कि सुशील मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और विरोधियों पर जमकर हमला बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार किसानों का भरोसा जीतने के प्रयास में जल्द सफल होगी। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के बाद हरियाणा के किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर चिल्ला बॉर्डर खोल दिया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि किसान नेता राजेश टिकैत ने आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे जामिया मिलिया के छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने की सलाह देकर लौटा दिया। केंद्र सरकार और भाजपा के शीर्ष स्तर से किसानों का भरोसा जीतने के प्रयास में जल्द सफल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सुशील मोदी ने लालू यादव की पार्टी राजद पर ऊंची जाति के लोगों को आरक्षण देने का विरोध करने का आरोप लगाया था। इस कड़ी में उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया था। सुशील मोदी ने कहा था कि राजनीतिक दुराग्रह से भरे विपक्ष ने भारत विरोधी ताकतों की मदद लेकर केवल जनता को गुमराह किया। उन्होंने यह भी कहा था कि विपक्ष ने जनता को गुमराह कर हिंसा को उकसाया है। सुशील मोदी ने कहा था कि नागरिकता कानून के विरुद्ध शाहीन बाग और कृषि कानून के विरुद्ध दिल्ली का घेराव भी इसी मानसिकता का परिणाम है। बताते चले कि सुशील मोदी 2005 में दिल्ली से बिहार की राजनीति में आ गए थे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए गठबंधन की सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। सुशील मोदी का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफी नजदीकी रहा है। सुशील मोदी जब राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे थे तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। बिहार में जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त भी सुशील मोदी नीतीश कुमार पर हमलावर न होकर राजद के खिलाफ ही हमला बोलते थे। उन्होंने राजद परिवार को लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान सुशील मोदी ने कई खुलासे भी किए थे। ऐसा कहा जाता है कि सुशील मोदी के इन्हीं खुलासे का नतीजा था कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए थे और बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि इस बार सुशील मोदी को बिहार के कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।